अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ जी। तो आज बनाना जा रहा हूँ मैं जनाब चने वाला पुलाव, ठीक है जी। फ्राइडे है और अभी जो है ना दोस्तों ने डिमांड की है कि चने वाला जो पुलाव है वो बनाएं, तो देखें अभी इंशाल्लाह कैसे बनते हैं। अभी मैंने प्याज डाल के जो चूल्हे पर पतीला चढ़ा दिया है, ठीक है जी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, एंड तक ना भी देख सके तो कम से कम 3 मिनट तो ज़रूर देखें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। 2 किलो चावल हैं, ठीक है जी। और उसके साथ मैंने जैसे हमेशा की तरह मैं हर चीज़ जो है वो चॉप करके रख लेता हूँ, ये इसी तरह आज भी मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो चॉप करके रख लिए, टमाटर वगैरह काट के तैयार करके रख लिए हुए हैं अपने पास। ये देखें प्याज हमारे जो है ब्राउन हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे ताकि प्याज जो है ना ये अपना थोड़ा सा कलर छोड़ दें, और साथ ही इसके बाद जो है अब इसमें जो है ना टमाटर वगैरह अदरक वगैरह डालेंगे। इस तरह करने से ये होता है कि चावलों का कलर जो अच्छा हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने थोड़ी सी जो है ना ये चिली फ्लेक्स, दड़ा जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं पंजाबी में, वो थोड़ी सी डाली है। एक दोस्त ने कहा कि ये थोड़ी सी डाल दें, तो मैंने डाल ली। अभी देखेंगे इसको कि इसका क्या फ़ायदा होता है, टेस्ट में कोई फ़र्क आता है या क्या है। वैसे तो मिर्ची जो है वो तेज़ हो जाएगी, करारे हो जाएंगे जी। तो ये देखें अभी हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है, बल्कि कुछ थोड़ी देर ज़्यादा मैंने भून लिया है, क्योंकि चने जो है ना मैंने उबलने के लिए रखे हुए थे। कुकर नहीं है मेरे पास, तो इसलिए उसका इंतज़ार कर रहा था कि चने थोड़ा सा तेज गल जाएं। लेकिन चलें अभी डालते हैं चने। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अभी। सुबह पैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सद पड़ने नूर का आया है तारा नूर का, सदक़े ने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, फूल फूला नूर का मस्त बूहें बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें
پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. جی تو ابھی اس میں انشاءاللہ ڈالیں گے پانی. وقت آ گیا ہے اب چاول ڈالنے کا. ٹھیک ہے جی, چاولوں کے لیے میں نے چمچہ جو ہے وہ بڑا لے لیا ہے. اس میں میں نے چنے ہم نے تھوڑے زیادہ ڈالے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پردیس میں جہاں پہ چار لوگ اکٹھے ہو کے رہتے ہیں پھر وہاں پہ انجوائمنٹ کرتے ہیں, کبھی یہ زیادہ ڈال لو کبھی وہ کر لو, ایسے تجربات کرتے رہتے ہیں. تو اس میں اس لیے آج دوستوں کی فرمائش پہ چنے جو ہیں وہ زیادہ ڈالے ہیں. دیکھتے ہیں ابھی چاول ہمارے جو وہ کیسے بنتے ہیں, تیار ہوتے ہیں. دیکھیں ابھی ہم دم دیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر.